सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी संघर्ष समन्वय समिति और सूचना केंद्र बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टरेट के बाहर अपना धरना शुरू कर दिया है और सरकार के नाम ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की गई है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों का कहना है कि राज्य सरकार की ओर से आउटडोर इलाज के लिए कर्मचारियों को 20,000 की राशि स्वीकृत की गई है जो उनके लिए कब होती है, ऐसे में इसे बढ़ाने की मांग की गई है। RGHS कार्ड के तहत मेडिकल डायरी उपलब्ध कराई जाए, पेंशन नियमित रूप से महीने की अंतिम तारीख तक मिले और ट्रेजरी को बंद करने के निर्णय को वापस लिया जाए। इन सभी विषयों के साथ ही कर्मचारियों ने अजमेर की सूचना केंद्र में स्मार्ट सिटी के तहत किए जा रहे निर्माण पर जांच कराते हुए रोक की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि यह राज्य सरकार की प्रॉपर्टी है और उसमें निजी हितों के लिए काम नहीं किया जा सकता, ऐसे में राज्य सरकार इस पर जांच कर उचित निर्णय ले जिससे कि सूचना केंद्र को बचाया जा सके। सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी एवं सूचना केंद्र बचाओ संघर्ष समिति के तत्वावधान में हमारा 5 दिवसीय धरना आज शुरू हुआ है। हमारा धरना 10 तारीख से लेकर आगामी 14 अक्टूबर तक रहेगा। हमारी मुख्य मांग है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आउटडोर में जो उपचार के लिए 20,000 की राशि दी है वो बहुत कम पड़ती है, जबकि राज्य कर्मचारियों के लिए ऐसी कोई सीमा नहीं है। हम चाहते हैं कि राज्य कर्मचारियों की भांति हमारे कर्मचारियों को भी आउटडोर में उपचार के लिए अनलिमिटेड राशि दी जाए। दूसरी बात है, RGHS जारी उपलब्ध कराई जाए। RGHS तहत जो हमें जो फूड सप्लीमेंट मिलते थे उनको सरकार ने बंद कर दिया। सरकार से मांग है कि पूर्व की भांति फूड सप्लीमेंट वापस शुरू किया जाए। इसके साथ ही राज्य सरकार ट्रेजरी और सब ट्रेजरी बंद करने का प्रयास कर रही है, इससे बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार ट्रेजरी और सब ट्रेजरी बंद करने के प्रस्ताव को निरस्त करे और कर्मचारी हित में फैसला ले। इसके साथ ही हमारे जो कर्मचारी हैं, पेंशनर है, पहले बैंकों के माध्यम से हमें पेंशन मिलती थी, 2 दिन पहले हमें पेंशन मिल जाती थी। अब स्थिति यह है कि 1 तारीख को भी पेंशन हमें नहीं मिलती है, रात को 12 बजे तक 11 बजे तक पेंशन आती है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे पेंशन जो है महीने के आखिरी तारीख तक हमारे सभी पेंशन के खाते में हमारी पेंशन आ जाए। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी परियोजना द्वारा सूचना केंद्र के अंदर जो निर्माण कार्य कराए गए हैं, अनेक काम ऐसे हैं जो बिना स्वीकृति कराए गए हैं। इसके साथ ही सूचना केंद्र में इनोवेशन सेंटर बना रहे हैं जो दूसरा डिपार्टमेंट है, जबकि सूचना केंद्र हमारे विभाग की संपत्ति, हमारी खुद का ऑफिस है, इसलिए हमारे विभाग के अंदर दूसरे ऑफिस को शिफ्ट करना ठीक नहीं होगा। इसके लिए हम सरकार से मांग की है कि सरकार इन सभी कामों की जाँच कराए और जाँच समिति में हमारे संगठन के लोगों को शामिल किया जाए ताकि जाँच निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से हो सके। दरकारों के लिए मीटिंग हॉल बनाने की मांग, इसके साथ अनाधिक एक पार्किंग बनाई है, उस पार्किंग को हटाकर वहाँ पर मीडिया कर्मियों के लिए एक मीटिंग हॉल बनाया जाए ताकि मीडिया कर्मी में बैठकर आपस में बैठकर संवाद कर सके। करण सिंह, संयोजक सूचना केंद्र बचाओ संघर्ष समिति, अध्यक्ष सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी संयुक्त समिति अध्यक्ष।